चिट फंड कंपनियों के एजेंटों पर दर्ज मामले वापस होंगे। सहकारी बैंक का अपेक्स बैंक में नहीं होगा विलय, राज्य कैबिनेट ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के हथकरघा वस्त्रों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने, बुनकरों के आधुनिक प्रशिक्षण पर दिया जोर। सुरक्षित यातायात के लिए लोगों को जागरूक करने, प्रदेश में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह, मुख्यमंत्री ने दुर्ग में सुरक्षा संस्कार रथ को किया रवाना। और भिलाई के पंत स्टेडियम में हो रहे हैं राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के मुकाबले, छत्तीसगढ़ सहित देश की 6 टीमें ले रही हैं हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं रेहाना। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने चिटफंड कंपनियों के 286 एजेंटों पर दर्ज मामले वापस लेने के फैसले पर मुहर लगा दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि निवेशकों को धन वापसी के संबंध में विशेष न्यायालय या विशेष अभियोजना अधिकारी तैनात करने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। इसकी पूरी समीक्षा की गई दो पार्ट में। पहला, हम लोगों ने उसमें उल्लेख भी किया था और अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कथन में इनके जिनके खिलाफ हमारे जो निवेशक हैं और जो अभिकर्ता हैं उनके खिलाफ जो पंजीकृत मामले हैं उसकी वापसी के लिए कार्यवाही चल रही है, तो आज के कैबिनेट में इस बात का निर्णय लिया गया कि इन सारे लोगों के खिलाफ जो मामले हैं उनकी वापसी की कार्यवाही से किया जाए। दूसरा, निवेशकों के धन वापसी के संदर्भ में अब जो भी आवश्यक नीति बनाकर इसमें किया जा सकता है, स्पेशल कोर्ट और स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तैनाती करके उस संदर्भ में समीक्षा किया गया। आने वाले समय में आपको विधानसभा में ये निर्णय देखने को मिलेगा। मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि इस खरीफ विपणन वर्ष में 75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी हुई है। उन्होंने बताया कि इस अतिरिक्त धान के उपार्जन के लिए केंद्र से अब तक सहमति नहीं मिली है। आज कैबिनेट की बैठक में इस धान के समुचित इस्तेमाल पर चर्चा हुई। श्री चौबे ने बताया कि कैबिनेट में लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार जिला सहकारी बैंक का अपेक्स बैंक में विलय नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के विस्तारीकरण और सशक्तिकरण का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक में लोहांडी गुड़ा तहसील में टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई जमीन किसानों को वापस दिलाने के बाद जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में अधिनियम में संशोधन किए जाने पर भी चर्चा की। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 11 जिलों के कलेक्टरों समेत 42 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग और कोरबा जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है। दिसंबर में किए गए तबादलों में ये जिले छूट गए थे। इनके अलावा रायपुर के निगम आयुक्त और बस्तर के संभाग आयुक्त को बदला गया है। दुर्ग के कलेक्टर उमेश अग्रवाल को गृह विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। उनके स्थान पर ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद दुर्ग कलेक्टर होंगे। वहीं जयप्रकाश मौर्य को राजनांदगांव, डोमन सिंह को कांकेर और किरण कौशल को कोरबा कलेक्टर बनाया गया है। राजस्व मंडल के सदस्य अमृत खलखो बस्तर के संभाग आयुक्त होंगे। अब तक यह जिम्मेदारी देख रहे धनंजय देवांगन सहकारिता विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं। अलरमेल मंगईडीह को नगरी प्रशासन विभाग में विशेष सचिव और संचालक पद दिया गया है। इसके अलावा कोरबा कलेक्टर मोहम्मद कैसर अब्दुल हक को विशेष सचिव ऊर्जा और विद्युत वितरण कंपनी का एमडी बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बनारस, ओडिशा और कोलकाता की साड़ियों की तरह छत्तीसगढ़ के हथकरघा वस्त्रों की भी देश में पहचान बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि हथकरघा वस्त्रों में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए बुनकर मांग के अनुरूप ही
छत्तीसगढ़ में परंपरागत आधुनिक डिजाइनों के वस्त्र तैयार करें ताकि उन्हें अच्छा बाजार मिल सके। मुख्यमंत्री कल रायपुर में राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के बुनकरों को आधुनिक डिजाइनों का प्रशिक्षण देने के लिए अच्छे से अच्छे डिजाइनरों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में ग्रामोद्योग मंत्री रुद्र कुमार ने इस समय हथकरघा उद्योग में 54,000, हस्तशिल्प में 10,000 और माटी शिल्प में करीब 16,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस हैंडलूम एक्सपो में छत्तीसगढ़ की 30 तथा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार की 31 हथकरघा संस्थाएं हिस्सा ले रही हैं। दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षा संस्कार रथ शुरू किया गया है, जो रोजाना 2 गांवों और 1 शहरी वार्ड में पहुंचकर यातायात शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग में सुरक्षा संस्कार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग अभियान हमर दुलार हमर रखवार के तहत यातायात जागरूकता के लिए यह रथ चलाया जा रहा है। इस रथ के माध्यम से पुलिस द्वारा सुरक्षित यातायात के अलावा साइबर अपराध और धोखाधड़ी से बचने के उपाय भी बताए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक प्रखर पांडे ने बताया कि इस रथ के माध्यम से जन जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। रथ का उपयोग मड़ई मेला के दौरान भी किया जाएगा। ये महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा के संबंध में आजकल जो धोखाधड़ी और ये सब चीज़ें जो हो रही है उसके संबंध में शहरी क्षेत्र और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इसका लगातार भ्रमण होगा। हमने इसका जो प्रोग्राम तय किया है ये शहर में 1 वार्ड और देहात क्षेत्र में 2 वार्ड ये प्रतिदिन कवर करेगा जाकर, खासकर जहाँ मेला मड़ई जहाँ पर भीड़ भरे स्थान है, स्कूल कॉलेज ऐसी जगहों पर इसका जो है रथ को रोक कर इसमें जो LED की व्यवस्था की गई है उसमें छोटी छोटी फिल्में जो कि लोगों को इसके प्रति अवेयर करेंगे, इन बातों के प्रति, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में इस मौके पर एक हेलमेट रैली निकाली गई। रैली को विधायक अंबिका सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। यह रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई बैकुंठपुर के रक्षित केंद्र में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में विधायक अंबिका सिंहदेव ने भी सभी दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं मनेन्द्रगढ़ में भी पुलिस विभाग द्वारा बाइक रैली निकालकर यातायात नियमों का संदेश दिया गया। उधर जशपुर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर और पुलिस अधीक्षक शंकर लाल बघेल ने कल एक मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व करते हुए लोगों को सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। अब देखिए 3:10 खबरें। उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को CBI के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए कहा है कि वे शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में CBI के साथ पूरा सहयोग करें। न्यायालय ने श्री कुमार को पूछताछ के लिए CBI के समक्ष पेश होने को कहा। न्यायालय ने कहा कि पूछताछ के दौरान कोलकाता पुलिस आयुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार देने के लिए छोटे उद्योगों को महत्व देगी। दुर्ग में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्ज माफी और धान खरीदी का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जीवन में सफलता के लिए समय प्रबंधन और कठोर अनुशासन जरूरी है। वे रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के गुल्लू गांव में एक निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बघेल ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और युवा शक्ति को देश के नवनिर्माण में लगाना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 2 प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने स्वेच्छा अनुदान मद से रायपुर के सृष्टि वर्मा और धरसीवा विकासखंड के नगर पंचायत पूरा के राकेश कुमार पाल को 60,000 और 15,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में धमतरी और चारामा के उप अभियंता पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। डॉ. डहरिया ने नगर पंचायत भैरमगढ़, धमतरी, सरगांव और वाड्रफ नगर के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और सब इंजीनियर की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की है। बेमेतरा जिले में 2 ट्रकों में हुई जबरदस्त भिड़ंत में 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बसनीबाग साइड भंडारण केंद्र के पास यह हादसा हुआ। सरिया से भरा एक ट्रक सिमगा से बेमेतरा जा रहा था, उसी दौरान बेमेतरा से आ रहे एक ट्रक के साथ उसकी टक्कर हो गई।
किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के प्रत्यर्पण को ब्रिटिश गृह मंत्री ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने इस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि माल्या के प्रत्यर्पण के लिए मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ा लिया है, जबकि विपक्ष शारदा स्कैम में शामिल लोगों के लिए एकजुट है। राजनांदगांव पुलिस को अंतर्राज्यीय नट गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता मिली है। इनके पास से पुलिस ने 17,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल के अलावा एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों ने पिछले महीने एक व्यक्ति से करीब 1.5 लाख रुपए की उठाईगिरी की थी। इस गिरोह के एक अन्य सदस्य की पुलिस को तलाश है। जगदलपुर में अखिल भारतीय बहुभाषी नाट्य और शास्त्रीय लोक नृत्य उत्सव नाट्य पर्व का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय महोत्सव में भरतनाट्यम, कुट्टीपुआ जैसे नाट्यों का प्रदर्शन किया गया। वहीं कोलकाता से आए बाल रंग कर्मियों ने नाटक का सफलतापूर्वक मंचन किया। इसके अलावा राउरकेला के कलाकारों ने दशावतार की प्रस्तुति देकर अपनी अद्भुत कला कौशल का परिचय दिया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक परंपरा समृद्ध है। इसे जानने के लिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने की जरूरत है। डॉ. महंत कल जांजगीर में 3 दिवसीय जाज्वल्य देव लोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेला के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। अब कुछ खबरें विस्तार से। महारत्न कंपनी सेल की ध्वजवाहक इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र के पहले ब्लास्ट फर्नेस की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 60 वर्ष के सफर को यादगार बनाने के लिए संयंत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ए.के. रथ सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री रथ ने कहा कि बीएसपी का ब्लास्ट फर्नेस दुनिया का सबसे पुरानी तकनीक से बना है। यह लगातार अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहा है, जो यहां के कर्मचारियों की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का ही परिणाम है। इस समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 722 कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। 4 फरवरी वर्ष 1959 को संयंत्र के पहले ब्लास्ट फर्नेस से कच्चे लोहे की पहली खेप प्राप्त की गई थी। उसके बाद से लगातार यहां पर उल्लेखनीय उत्पादन हो रहा है। इस फर्नेस में अब तक 24 मिलियन टन से अधिक हॉट मेटल का उत्पादन हो चुका है। सरगुजा जिले के मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय महोत्सव में बॉलीवुड के कलाकार मोहित चौहान और स्तुति जायसवाल सहित स्थानीय कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। इस मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा 100 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया गया, साथ ही वनाधिकार पट्टे भी वितरित किए गए। महोत्सव का शुभारंभ कल विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने किया। इस मौके पर पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि मैनपाट को भारत के शिमला की तरह विकसित किया जाएगा, ताकि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने उम्मीद जताई कि इस महोत्सव से मैनपाट के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मैनपाट महोत्सव का समापन आज होगा। दुर्ग जिले के भिलाई में इन दिनों राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। संतोष ट्रॉफी के ईस्ट जोन के मैचों की मेजबानी पहली बार छत्तीसगढ़ को मिली है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसके लिए भिलाई के पंत स्टेडियम को चुना है। भिलाई में जिन टीमों के मैच हो रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़, बिहार, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड की टीमें शामिल हैं। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी में 32 बार चैंपियन रही बंगाल की टीम भी अपना दमखम दिखा रही है। इन टीमों को 2 पुल में बांटा गया है। कल हुए एक रोमांचक मैच में ओडिशा ने झारखंड को 2-1 से हराकर अपनी जीत का अभियान शुरू किया। झारखंड की टीम लगातार 2 मैच हारकर ग्रुप ए की तालिका से बाहर हो गई है। भिलाई में संतोष ट्रॉफी के मुकाबले 7 फरवरी तक होंगे। स्पर्धा के सभी मैच लीग पद्धति से खेले जा रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।